मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ किसी भी एसी मशीन के कंडेंसेट ड्रेन पाइपिंग के लिए पी ट्रैप की हाइट कैसे निकालते हैं। इसका एक बहुत आसान फार्मूला है जिसे यूज़ करते हुए आसानी से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं और पी ट्रैप की करेक्ट हाइट क्या होनी चाहिए वो निकाल सकते हैं। नॉर्मली जो मशीनें डक्ट से कनेक्ट की जाती है उनका स्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है और उन मशीनों में हमने अगर पी ट्रैप नहीं बनाया या पी ट्रैप की जो प्रॉपर हाइट होनी चाहिए उससे कम हाइट बनाई तो मशीन के अंदर फैन की वजह से बनने वाला नेगेटिव प्रेशर कंडेंसर ड्रेन से जो पानी बना है उसको बाहर जाने से रोक देगा और कंडेंसर ड्रेन मशीन के अंदर ब्लॉक हो जाएगी और जो कूलिंग कोयल के नीचे जो ड्रेन पैन है और मशीन का जो फ्लोर है वो पानी से भर जाएगा। उसकी वजह से मशीन से जो हवा आएगी उसके अंदर ह्यूमिडिटी होगी और मोटर मशीन डैमेज होने का भी ख़तरा रहेगा और मशीन के फ्लोर पे इकट्ठा होने वाला पानी आहिस्ता आहिस्ता मशीन के फ्लोर से लीक करना शुरू कर देगा। आपकी स्क्रीन पे एक पी ट्रैप है जिसमें 0.1 एसी यूनिट से कनेक्ट है और 0.2 मेन कंडेंसेट ड्रेन पाइपिंग से कनेक्ट है। एसी यूनिट की कंडेंसेट ड्रेन पाइप और मेन पाइप को जाने वाले पाइप के बीच में जो लेवल डिफरेंस है उसको एच से दिखाया गया है और एच कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है एच इक्वल टू फैन इनलेट प्रेशर प्लस 1 इंच। फैन इनलेट प्रेशर का जो यूनिट है वो इंच वाटर कॉलम है और 1 इंच वाटर कॉलम 250 पास्कल के बराबर होता है तकरीबन। जो हमारे सामने पी ट्रैप है ये ड्रा थ्रू टाइप यूनिट के लिए है। ड्रा थ्रू टाइप यूनिट में कूलिंग कॉयल फैन से पहले होती है और फैन सबसे आखिर में होता है और जितने भी एसी हम लोग यूज़ करते हैं वो तकरीबन सभी ड्रा थ्रू टाइप के होते हैं तो इसीलिए हम सिर्फ ड्रा थ्रू टाइप यूनिट की कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे। जैसा कि ड्रा थ्रू टाइप में फ़ैन सबसे आखिर में है तो फैन इनलेट प्रेशर हम फैन का एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर जो है उसके बराबर मान सकते हैं तो हमें एच कैलकुलेट करने के लिए हम फैन स्टैटिक प्रेशर प्लस 1 इंच यूज़ करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एच इक्वल टू फैन ESP प्लस 1 इंच। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो HUFCU या कोई AC यूनिट है उसके फ़ैन का ESP 500 पास्केल है तो सबसे पहले हम इस 500 पास्केल को वाटर कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और जैसा कि हमें पता है 1 इंच वाटर कॉलम 250 पास्केल के बराबर होता है तो 500 डिवाइडेड बाय 250 इक्वल टू 2 इंच तो हमारे पास H की वैल्यू आ जाएगी H इक्वल टू 2 इंच प्लस 1 इक्वल टू 3 इंच। तो इस तरीके से हम पी ट्रैप की हाइट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और जो नीचे वाला पोर्शन है यू ट्रैप उसकी हाइट निकालने के लिए हम लोग जो मेन पाइपिंग को कनेक्ट होने वाला पाइप है और यू ट्रैप का जो के पाइप का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके बीच की जो हाइट है वो H बाई 2 होती है और H बाई 2 इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 1.5 इंच। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इक्विपमेंट के HUFCU VRF स्प्लिट AC कोई भी इक्विपमेंट हो उसके पी ट्रैप का साइज़ कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से H इक्वल टू फैन इनलेट प्रेशर प्लस 1 इंच वाटर गेज। और ड्रा थ्रू टाइप यूनिट में हम लोग इस फॉर्मूले को ऐसे भी कह सकते हैं H इक्वल टू फैन ESP प्लस 1 इंच वाटर गेज। ESP जानने के लिए आप यूनिट के जो नेम प्लेट है उसमें भी देख सकते हैं उसमें ESP दिया होगा। अगर नहीं है तो जो इक्विपमेंट का सप्लायर है आप उससे पता कर सकते हैं इस इक्विपमेंट का ESP कितना है अपने टेक्निकल सेक्शन में आप पता कर सकते हैं सबमेटल वगैरह से। आपके पास प्रैक्टिकली दो तरह के यूनिट होते हैं एक यूनिट डक्ट से कनेक्ट होता है और दूसरे वाला फ्री होता है। फ्री यूनिट के लिए आप
सिंपल पी ड्राइव बना सकते हो, उसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको उसमें पी ड्राइव बनाना है तो आप की वैल्यू 2 इंच रख सकते हैं। लेकिन जो यूनिट डक से कनेक्ट है वो स्पेशली ESP उसका कैलकुलेट किया जाता है और ESP के हिसाब से डिज़ाइन होता है, और उसका एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसमें अगर आप कैलकुलेशन किए बगैर पी ड्राइव बनाएंगे और वो पी ड्राइव कैलकुलेशन के हिसाब से अगर काफ़ी नहीं होगा तो AC के अंदर फ़ैन की वजह से जो नेगेटिव प्रेशर डेवलप होगा उसकी वजह से पाइप के ज़रिए हवा अंदर आएगी जो ड्रेन को ब्लॉक कर देगी, और वो ड्रेन ब्लॉक होने की वजह से AC यूनिट के फ्लोर पे पानी भर जाएगा और वो पानी मोटर और यूनिट को डैमेज भी कर सकता है, और यूनिट से जो हवा आएगी वो भी ह्यूमिड होगी।